गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको मैंने होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 1.10 का, सम नंबर 4 से लेकर 9 तक सम्स आपने कर लिए होंगे, बट सम नंबर 8 में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.10 का सम नंबर 8, देखिए ये सम करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर के 3 टाइम्स लिखते हैं ये हमारे पास हो जाता है 3000, बट अगर हम के 4 टाइम्स लिखते हैं ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर? तो फिर 4000 को कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है कि अगर हम 4 के ऊपर एक लाइन लगा दें, इसको बोलते हैं बार, तो अगर हम इसको हम बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये बार क्या हो गई 1000, ये आपके पास आ गया 4000। अगर मैंने 50000 लिखना है, ये 50 लगा दिया, 1000 की 30 लगा दी, ये हो गया 50000। अब आपके लिए इजी हो गया ये सारे सम्स करने, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट। ये देखिए बार किसके ऊपर लगी है? 4, सिर्फ 4 के ऊपर लगी है, बाकी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर बार नहीं लगी। तो आप इसको क्या लिख दोगे? 4000। क्लियर? उसके बाद प्लस का साइन लिखा सी डी, डी से पहले सी है, इसका मतलब ये 400 है। देन एक्सएल, ये क्या है 40 और ये 4 है, तो इन सबको प्लस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4444। अगर आपको प्लस करने में प्रॉब्लम आती है आप साइड में रफ वर्क कर लो। क्लियर? ये हमारे पास है 6 के ऊपर बार है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 लगा के आगे 30 लगा दो। सी के बेटा 900, एक्सएल 40 -10 40 और ये है 9, उन सबको प्लस किया 6 9 4 9। क्लियर? अब इस सम पे आओ, ये 9 आगे 30 बार की 9000 प्लस ये है 3 टाइम सी, ये हो गया 300, एक्स सी 90 और ये 1, ये आपका आंसर आ गया 9391। क्लियर? फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में आपको जो बार दी है वो 60 के ऊपर है, बट ये आंसर के अकॉर्डिंग ये 70 के ऊपर है, तो आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो। ये हो गया 70000, बार के 30 प्लस ये 9 है, तो आंसर आ जाएगा 70009। क्लियर बेटा? सेकेंड चैप्टर करेंगे, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके जो MCQ है वो जब स्कूल खुलेगा तब हम करेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्लेइंग विद नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये आप 5th में भी करके आए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत इजी चैप्टर है, ये भी इंटरेस्टिंग भी है। तो फैक्टर सबसे पहले है, फैक्टर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है फैक्टर की, आप बुक पे देख सकते हो। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, इन अदर वर्ड्स अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर व्हिच कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। अब इसका क्या मतलब है, अ फैक्टर क्या है, जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके समझाऊं। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन क्या है कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 12 के फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो 12 के टेबल में पूरे पूरे आ जाते हैं। जैसे 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया। मींस जब हम डिवाइड करते हैं 12 को 2 से तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, पूरा पूरा चला जाता है। 12 को 3 से डिवाइड करके देखोगे 4 आ जाएगा, 4 3 12। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि जिस नंबर के टेबल में वो नंबर पूरा पूरा आ जाता है वो फैक्टर है। अब अगर मैं बोलूँ कि 12 5 से डिवाइड करो तो होगा डिवाइड? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप करके देख लो। ये देखिए 5 2 10, 2 रिमाइंडर बच गया। मैंने क्या बोला था, कंडीशन क्या थी, फैक्टर वही नंबर होगा जो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसके फिर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, अगर हम इसको रफली करके देखें, एक तो हमारा हो गया 1 तो आएगा ही,
वन तो सबका फैक्टर होता है, हमें पता है 12 वही वाला नंबर, वो भी फैक्टर होता है। उसके अलावा 2 6 12, 3 4 12, उसके अलावा आपके यही वाले नंबर्स आएंगे जब हम फिर से 4 से करेंगे, 4 3 12 आएगा, 6 से करेंगे फिर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाले नंबर्स ले लो 1 2 3 देन 4 6 और 12, क्लियर? हाँ जी बेटा, मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स की डेफिनेशन है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। अब जैसे मैंने 12 के ही मल्टीपल्स पता करने, वो फैक्टर्स थे, अब मैंने 12 के मल्टीपल्स पता करने हैं। 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या आपको क्या दिख रहा है? मल्टीपल्स मल्टीप्लाई किया पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से एंड सो ऑन। ओके, तो जितने आपको अगर पेपर में बोला है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताओ, तो आपने यहाँ तक आपका आंसर होगा। अगर 6 है तो एक और नंबर आप ऐड करो। तो ये होते हैं इसके मल्टीपल्स। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 2.5 सम नंबर। फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन है फैक्टर और मल्टीपल की, जो आपको मैंने बता दिया। सेकेंड सम से स्टार्ट करेंगे। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया वैसे आपको 3 पार्ट्स करोगे, और कल आपको मैं इसकी आंसर शीट भी सेंड कर दूँगी। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट आप समझोगे, 60 के आपके बेटा फैक्टर्स पता होंगे। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है 60 के फैक्टर्स पता करने। तो आपने क्या करना है, इधर साइड पे लाइन लगा के आप इसका रफ वर्क कर सकते हो। आपने देखना है कि 60 कौन कौन से टेबल्स में आता है। एक तो 1 तो आपको बताया था कि 1 में तो आना है और 60 में भी आना है। एक स्मॉलर, इसका मतलब है 1 क्या है जो स्मॉलर फैक्टर, और 60 क्या है इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर। उसके बाद आप 2 के टेबल में देखोगे, 2 को डिवाइड करके देख सकते हो 60 से, 30 आ रहा है, इसका मतलब है 2 का भी फैक्टर है, 30 भी इसका फैक्टर है। फिर 3 से करोगे, फिर 4 5 और 6, ये सारा करने के बाद आप इसके फैक्टर्स कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप यहाँ 10 से स्टार्ट कर दोगे, 10 12 15 20 30 और 60। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स नहीं है। अगर 7 से डिवाइड करोगे वो नहीं आएगा, 9 से करोगे, 11 से करोगे, और कोई नंबर्स इसके फैक्टर्स नहीं है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं बेटा। ये 3 पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सम से। ओके बेटा, जितना काम करवाया जाता है आप साथ साथ में करते जाओ, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। नोटबुक्स भी कंप्लीट करो, और साथ में जो टेस्ट आपको भेज रही हूँ मैं, वो भी साथ में अपने पेरेंट्स से चेक करवाओ, और आप प्रैक्टिस भी करते जाओ एग्जाम्पल्स की, ठीक है? तो आप कोई आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको रखो, अपने पेरेंट्स से पूछो, नहीं पता चलता है फिर जब स्कूल खुलेंगे तब आपको बताऊंगी। अदरवाइज आपको नहीं पता चलता है आप थोड़ा सा म्यूट करके वीडियो को फिर से समझ सकते हो। ओके, तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।